हेलो एवरीवन, मैं वेनास खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आलूरी शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी रीजनिंग की, आंसर की, ठीक है। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि सर यहाँ पर नहीं है, अपने घर पे हैं। तो आंसर उन्होंने भेजे और आंसर मैंने आपको बता दिए। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट आई थी, उसको यूनिट से जो क्वेश्चन आए थे उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 20, 1 to 25 किस तरह रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और अब 26 to 50 क्वेश्चन किसके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया, क्या लेवल था, आप सबको पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन हेल्प अ टीचर अडेप्ट टू द वेरियस नीड्स ऑफ स्टूडेंट। क्या फ्लेक्सिबिलिटी, अपैथी, स्ट्रिक्टनेस या रिजिडिटी। तो रिजिडिटी भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। स्ट्रिक्टनेस क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जब फ्लेक्सिबल अगर टीचर रहेगा तो उस वो जो है क्या होगा कि बच्चे की जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, जो मतलब अगर बच्चे हैं तो उनकी नीड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, उनको समझने में वो क्या उसकी क्या होगी, हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन है, टीचिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए एन आर्ट, ऑप्शन बी अ साइंस, ऑप्शन बी बोथ आर्ट एंड साइंस, या ऑप्शन डी नाइदर आर्ट नॉर साइंस। क्या टीचिंग एक आर्ट है, साइंस है, या फिर दोनों ही नहीं है, या फिर दोनों है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक, बाकी मैं नहीं लिख रही हूं पूरा, बोथ आर्ट एंड साइंस। अगर किसी ने मेरे नोट्स लिए होंगे तो उसमें मैंने पेज नंबर 5 पे जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है उसमें पॉइंट नंबर 4 और 5 में ये मेंशन था, लिखा हुआ था कि टीचिंग एक आर्ट भी है और टीचिंग एक साइंस भी है। तो जिसने नोट्स लिया होगा उसका काफी इसमें हेल्प रही होगी। हालांकि क्वेश्चन नंबर 26 जो था कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर ये भी इसमें मेंशन है, लेकिन पेज नंबर मैंने आपको नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिलेटेड विद फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव भी होता है और एक सबमिटिव होता है। सबमिटिव क्या होता है कि लास्ट में मतलब वो सबमिट कर देना एकदम उसके जो भी उसने अचीव किया है पूरे साल। और फॉर्मेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है जो पूरे साल पूरा जो भी उसका प्रोसेस है उसके उस दौरान चलने वाली जो इवेल्युएशन होती है वो होती है फॉर्मेटिव। तो इसका आंसर होगा 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग व्हाट डज द टर्म आईसीटी स्टैंड फॉर। आईसीटी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो ये जो आंसर जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, बीएड में आया हुआ। तो अगर मेरी बात मानी होगी, पीवाईक्यू लगाए होंगे तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पेपर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 29 इसका आंसर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एन इफेक्टिव टीचर मेंटेन्स क्लासरूम। एक इफेक्टिव टीचर मेंटेन्स क्लासरूम, मतलब क्लासरूम को मेंटेन करता है डिसिप्लिन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। मतलब वो क्या स्ट्रेटेजीज अपनाकर अपने क्लासरूम को क्या करता है, मेंटेन करता है। बाय इंपोजिंग रिजिड रेस्ट्रिक्शन, निगेटिव वर्ड है, पहले ही देख के इसको आपने एलिमिनेट कर दिया होगा। अगर मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स की भी वीडियो देखी होंगी ना तो उसमें क्लियर मैंने बोला था कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव वर्ड्स मैंने बार बार बोला था, वो देख लेना। और ये वहीं से है कि रेस्ट्रिक्शन या रिजिडनेस ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं रहा हमारा आंसर, ऑप्शन बी होगा बाय इग्नोरिंग, वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि इग्नोर हम नहीं कर सकते किसी भी स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर सी बाय आइसोलेटिंग डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, आइसोलेट कर देना जो परेशान करते हैं स्टूडेंट। नहीं, हम किसी को आइसोलेट भी नहीं कर सकते, हम किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, हम किसी को स्कॉल्ड भी नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है बाय क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास। तो ये हमारा डी होगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 31, हाउ कैन अ टीचर कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक टीचर है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एकेडमिक सक्सेस में एक अपने स्टूडेंट की। बाय प्रमोटिंग कल्चर ऑफ टफ कंपटीशन, या बाय
प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव लर्निंग एटमोसफियर, या ऑप्शन बाई ऑप्शन सी बाई आइसोलेटिंग द स्टूडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, या ऑप्शन डी बाई डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो ए है, तो इसमें टफ कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन भी निगेटिव वर्ड है, हम किसी को कॉम्पिटिशन में नहीं उतार सकते, ठीक है, तो हमारा ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने यही बताया है। ऑप्शन सी बता दिया। ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा कि इसमें डिस्करेजिंग आ गया, डिस्करेज भी हम किसी को नहीं कर सकते, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बाई प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव लर्निंग एटमोसफेयर, कि उसे क्या दिया जाए, एक एटमोसफेयर ही इस तरह का दिया जाए जो वो क्या करे, अपनी जो है सक्सेस पा ले। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ टीचर इंप्रेसेस हिज स्टूडेंट बाई शोइंग हिज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, मतलब एक टीचर कैसे बच्चों को इंप्रेस कर सकता है अपनी अथॉरिटी दिखाकर, अथॉरिटी मतलब मैं ही हूं, हिटलर टाइप का, कि मतलब मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है इस तरह का, या फिर बाई हिज रेगुलरिटी इन टीचिंग में रेगुलर रह के, या ऑप्शन सी बाई मिसबिहेविंग विद हिज स्टूडेंट, या ऑप्शन डी बाई इंडल्गिंग इन गॉसिप विद द स्टूडेंट। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि आप सोल्व ना कर पाए हो, बहुत इजी था टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा कि अपनी अथॉरिटी दिखाकर नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा कि मिसबिहेव अगर करेंगे तो आप कैसे इंप्रेस कर लेंगे, मिसबिहेव करके कौन इंप्रेस करता है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी की जो बच्चों को है उसमें अपना गॉसिप में लगा दें, है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक। ऑप्शन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन रिप्लेस अ टीचर, कि जो कंप्यूटर से एजुकेशन हो रही है आजकल या फिर आगे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगी, क्या वो टीचर को रिप्लेस कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन नॉट असिस्ट अ टीचर, जो कंप्यूटर एडेड एजुकेशन है वो किसी टीचर की हेल्प नहीं कर सकता, असिस्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग बोथ आर इफेक्टिव, दोनों इफेक्टिव है। ऑप्शन डी, फेस टू फेस टीचिंग इज लेस इफेक्टिव देन ऑनलाइन टीचिंग। तो इसका तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं कि रिप्लेस टीचर को नहीं कर सकता कंप्यूटर, ऑप्शन बी कि मतलब टीचर की असिस्ट, टीचर को असिस्ट नहीं कर सकता, ये भी गलत है, टीचर को असिस्ट कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ऑनलाइन या हो या ऑफलाइन हो बोथ आर इफेक्टिव, पढ़ने वाला हो ऑनलाइन भी अच्छा है ऑफलाइन भी अच्छा है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर है 34, विच इवैल्यूएशन इज नीडेड फॉर प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास, इन्फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक या समेटिव। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें जो आया था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, तो मैंने बताया था ये पूरे साल पूरे जो प्रोसेस है उसके दौरान चलने वाला, मतलब पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है ना उसमें जो इवैल्यूएशन होता है तो वो होता है फॉर्मेटिव, मतलब चलने वाला, लगातार चलने वाला, जबकि सबमिटिव क्या होता है, फाइनल सबमिट कर देना, फाइनल जिस पे हमें ग्रेड मिलता है, जैसे हमें जिसके बेस पे रिजल्ट मिलता है। तो इसमें पूछा क्या है, प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास, जब हमें रिजल्ट मिलता था, जैसे हम मान लें कि फिफ्थ क्लास में थे, फिर सिक्स क्लास में अगर जाना तो हमें रिजल्ट मिलता था, हमें ग्रेड मिलता था, तो अब ग्रेड मिलता है, पहले नंबर मिलता था, मार्क्स मिलते थे, तो वही किसमें होगा, सबमिटिव हमें होगा कि एक बार सबमिट हो गया है, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 34 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच डिसिप्लिन प्लेस सिग्निफिकेंट रोल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम, तो इसमें से कौन सा डिसिप्लिन है जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस को समझने में इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। तो क्या होगा इसका, एजुकेशनल साइकोलॉजी से हम समझ सकते हैं, या फिर पॉपुलेशन डायनेमिक्स से समझ सकते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, या साइंस एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 35 इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू मेक योर स्टूडेंट हेल्दी,
अपने स्टूडेंट को हेल्दी बनाने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मेक द पेरेंट्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। आप पेरेंट्स को अवेयर करें कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। या ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइज डिबेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। क्या हम डिबेट हम उसमें ऑर्गेनाइज करें? या ऑप्शन सी, गिव द ट्रेनिंग रिगार्डिंग हेल्थ। या ऑप्शन डी, गिव एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी स्टूडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा कि आप पेरेंट्स को अवेयर करें। पेरेंट्स ऑलरेडी अवेयर होते हैं, उनको उनको भी पता होता है, वो भी बड़े होते हैं कि हेल्थ होना कितना अच्छी बात होती है, इंपोर्टेंस को समझते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि हमें एक डिबेट ऑर्गेनाइज करवानी है। तो डिबेट में क्या होता है कि जो दोनों जो पक्ष होते हैं तो वो अपनी अपनी बात रखते हैं, ठीक है। जब अपनी अपनी बात रखते हैं तो सही क्या है गलत क्या है तो वो हम समझ पाते हैं। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, गिव द ट्रेनिंग रिगार्डिंग द हेल्थ, कि उनके रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग उन्हें ट्रेन किया जाए। तो और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा कि एग्जांपल दिया जाए कि देखो वो कितना हेल्दी है, इससे नहीं होता कुछ भी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी में मुझे डाउट है। मतलब डाउट क्या, मैं नहीं समझ पा रही हूँ इसका आंसर। अब देखते हैं एमयू क्या देता है। इसका आंसर बी भी हो सकता है और इसका आंसर सी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर बी या सी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सम स्टूडेंट इन योर क्लास आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कंटेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट विल यू डू एज अ टीचर, आप क्या करेंगे? स्किप द कंटेंट, कंटेंट को ही हटा देंगे कि समझ में नहीं आ रहा तो कंटेंट को ही छोड़ो, कुछ और पढ़ाते हैं, ऐसा करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, अडॉप्ट वेरिड स्ट्रेटजीज, या आप अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। या ऑप्शन सी, आस्क द स्टूडेंट टू मेमोराइज द कंटेंट, बच्चों से बोलेंगे कि इसको रट लो, है ना, रटाफिकेशन कर लो। या ऑप्शन डी, अवॉइड द स्टूडेंट, स्टूडेंट को ही अवॉइड कर देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई तुम्हारा ही टेंशन है, मेरा टेंशन नहीं है, ऐसा करेंगे एज ए टीचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 37, ठीक है। अडॉप्ट वैरिड स्ट्रेटजीज, मतलब अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझाने की कोशिश करेंगे, आप दूसरे तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से कोई एक ऐसा तरीका होगा जो बच्चे की समझ में आ जाएगा। तो आप यही करेंगे, कंटेंट को स्किप नहीं कर सकते, स्टूडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, निगेटिव वर्ड है, और मेमोराइज भी निगेटिव वर्ड है, तो सीधा सीधा निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से पूछा गया है। अगर आपने वो देखा होगा तो आपका यहाँ आंसर आपको मतलब इजिली आपने आंसर इसका कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अ ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर कौन होता है? गिव प्रिंटेड नोट्स टू द स्टूडेंट, कि प्रिंटेड नोट्स दे दे स्टूडेंट को कि अब मेरा काम हो गया, जाके अपने घर पे पढ़ो। या ऑप्शन बी, इंस्पायर द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, इंस्पायर करे बच्चों को, मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। या ऑप्शन सी, इम्पार्ट फैक्चुअल नॉलेज थ्रू लेक्चर, कि वो क्या करे जो लेक्चर के थ्रू वो क्या करे उसको फैक्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करें। या ऑप्शन डी, मेक्स अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर बनाए। तो इसमें ग्रेट टीचर होता है जो इंस्पायर करे बच्चे को, क्या करे, इंस्पायर करे बच्चे को, क्लियर। इसमें प्रिंटेड नोट्स देना निगेटिव वर्ड है, हालांकि मैं नोट्स दे रही हूं वो एक अलग वे है ना, लेकिन क्लास में अगर बच्चा आ रहा है तो हमें नोट्स नहीं देना है कि जाके अपने घर पे पढ़ो, ये क्लास रूम का मामला है, कोचिंग का मामला नहीं है, ठीक है। तो क्लास में हमें बच्चों को सीधा समझाना है, उसे नोट्स नहीं थमाने। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा, फैक्चुअल नॉलेज की बजाय आप किस पे काम करें, फैक्चुअल नॉलेज की बजाय आप काम करें कंसेप्चुअल नॉलेज पे, है ना, कंसेप्ट क्लियर करने पे। और लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाना, ये कुछ आंसर था नहीं ऑप्शन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सीसीई। और ये जो 38 क्वेश्चन नंबर था ग्रेट टीचर, ये नोट्स के पेज नंबर 28 पर मेंशन था, ठीक है। अगर किसी ने नोट्स लिया होगा तो ये क्वेश्चन, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन इसमें चेक नहीं कर पाई हूं नोट्स में, और जो दो चार मुझे याद रहे वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, बाकी नोट्स जो मतलब क्वेश्चन में देख पा रही हूं तो 100% तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन 90-95% जो कंटेंट, जो क्वेश्चन आया है वो इस नोट से ही आया है, इस नोट से आया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जो मैंने खुद बनाया है, जो बच्चों ने लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सीसीई इन एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। सीसीई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन।
स्टैटिक का मतलब इसका आंसर कुछ ऐसा नहीं था कि सोचना पड़ता, ये PYQ भी है। क्वेश्चन नंबर 40, डेमोक्रेटिक टीचिंग इज, डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, या फिर टीचर सेंटर्ड, या फिर स्कूल सेंटर्ड। ये भी हमारे नोट्स के पेज नंबर 17 पर मेंशन था, पेज नंबर 17 पे डेमोक्रेटिव हो या सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर, ये सब इसमें नोट्स में था पेज नंबर 17 पे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है, सम स्टूडेंट इन योर क्लासरूम कंटिन्यूअसली टॉक, आपकी क्लास में क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे लगातार बात कर रहे हैं, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर है इग्नोर देम एंड कंटिन्यू टीचिंग, इग्नोर कर देंगे और अपना पढ़ाने में मस्त रहेंगे कि कुछ भी करो। ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, आप क्या करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे प्रिंसिपल को। ऑप्शन सी, कॉल देयर पेरेंट्स इमीडिएटली, उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि क्लास में आ जाओ। या ऑप्शन डी, ट्राई टू नो द रीजन फॉर दैट, जानने की कोशिश करेंगे वजह क्या है बात करने की। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, इग्नोर देम, इग्नोर कर ही नहीं सकते, इंडिकेटिव वर्ड है, तो आपका आंसर ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी, रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, ये मैटर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने का है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका मामला है, आपकी क्लास चल रही है, आप क्लास टीचर हैं, अलग क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, टीचर आप हैं, आपके स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल ने थोड़ी ना बोला बच्चों से बात करने के लिए आपकी क्लास में, तो ये आपका और बच्चों का मैटर है, प्रिंसिपल का मैटर ही नहीं है जो प्रिंसिपल को बोलेंगे। ऑप्शन बी नहीं होगा, कॉल देयर पेरेंट्स इमीडिएटली, पेरेंट्स को बोलेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। अगर किसी ऑप्शन में आता है पेरेंट्स को बोलना है, प्रिंसिपल को बोलना है, तो वो आंसर नहीं होगा। ये मैंने जब बीएड के PYQ करवाए थे तो उसमें भी ये मैंने बताया था, और जो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड बताए थे उसमें भी सीधा सीधा कंटेंट आया है, मैं नोट से बोलूं या फिर जो ट्रिक्स एंड टिप्स की जो मैंने 5 वीडियो डाली उससे बोलूं, ये सब उसी से है। अगर अच्छे से किया होगा तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कम से कम 22-23 चला गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा डी, कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट विद स्टूडेंट, अपैथी, एम्पैथी या फेवरेटिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नॉलेज। क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपैथी। ठीक है, इसका आंसर, द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए टीचर फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट विद स्टूडेंट्स, इसका आंसर अपैथी नहीं, इसका आंसर होगा एम्पैथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर एम्पैथी भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉलेज। मुझे नॉलेज भी लग रहा है और एम्पैथी भी लग रहा है, देखते हैं अब एमयू के इसका आंसर क्या देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, अ टीचर शुड प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन बाय, ऑप्शन नंबर ए, पेइंग अटेंशन टू द एवरेज स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ऑप्शन बी, टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इन सेपरेट क्लासरूम, या ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट टुगेदर, या ऑप्शन डी, टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इन सेपरेट स्कूल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जहां हर तरह के बच्चे आके एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई करते हैं। मतलब कुछ होता है कि जैसा अगर गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बात करें तो दिव्यांग है ना, दिव्यांग जो होते हैं तो डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं तो वो भी उसी क्लासरूम में है, और जो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी उसी क्लास में है, सब एक ही क्लास में। ऐसा नहीं है डिफरेंटली एबल्ड के लिए अलग स्कूल है और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 44, अ स्टूडेंट हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्टीलिंग लंच बॉक्स ऑफ हिज क्लास फेलो, What shall his class teacher do in his case? एक स्टूडेंट है जो उसमें क्या है, हैबिट है जो अपने क्लास फेलो का लंच बॉक्स चुराने का, तो आप क्या करेंगे इस केस में?
गिव हिम हार्श पनिशमेंट, ऑप्शन बी ब्रिंग लंच फॉर हिम, मतलब उससे बोलेंगे भाई चुराने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ या ले आती हूँ, ऑप्शन सी अडॉप्ट रिमेडियल मेजर्स, ऑप्शन डी रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल। तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं कि प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे नहीं, प्रिंसिपल ने तो बोला नहीं है कि चुरा चुरा के खाओ। ऑप्शन बी ब्रिंग लंच फॉर हिम, अब या तो यह है कि क्यों होगा यह आंसर, आप थोड़ी ना लंच उसके लिए रोज लेकर आओगे, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा और पनिशमेंट हम दे नहीं सकते, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी, 44 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर, आप एज अ टीचर क्या करेंगे इफ योर स्टूडेंट गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर, अगर आपका स्टूडेंट क्या करता है इनकरेक्ट आंसर देता है टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का, तब आप क्या करेंगे एज अ टीचर। ऑप्शन नंबर ए एडवाइज हिम टू बी अटेंटिव इन द क्लास, ऑप्शन बी स्कोल्ड हिम फॉर बीइंग इनअटेंटिव इन द क्लास, ऑप्शन सी गिव हिंट्स टू असिस्ट हिम इन करेक्टिंग हिज आंसर, या ऑप्शन डी टेल हिम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर ऑन हिज ऑन। ऑप्शन डी नहीं होगा कि उसे बोलेंगे अपना आंसर खुद से फाइंड करो, अगर वो खुद से ही फाइंड करता तो वो गलत ही क्यों बताता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आप क्या करेंगे उसे सही आंसर फाइंड करने में आप उसकी हेल्प करेंगे, ठीक। स्कोल्ड हम कर नहीं सकते इसलिए बी इसका आंसर नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अ टीचर कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन हर क्लासरूम बाय, मतलब एक टीचर कैसे एक मोर इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है अपने क्लासरूम, कैसे। ऑप्शन नंबर ए डेवलपिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल्स अमंग स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में रटाफिकेशन की आदत डेवलप करने के लिए कि रटो मेमोराइज करो। ऑप्शन नंबर ई इनकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, मतलब इनकरेज करना कॉम्पिटिशन को, बढ़ाना बच्चों के बीच में। ऑप्शन सी गिविंग रिवार्ड्स टू स्टूडेंट फॉर हिज परफॉर्मेंस, या ऑप्शन डी कनेक्टिंग कोर्स कंटेंट टू द डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या हुए होंगे कंफ्यूज, इसमें क्लियर है ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होगा कि कॉम्पिटिशन हम किसी बच्चों में फैलाएंगे नहीं और मेमोराइजेशन हम कराएंगे नहीं, ठीक। मेमोराइजेशन और कॉम्पिटिशन क्या है, निगेटिव वर्ड है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, किसी ने सी लगाया होगा किसी ने डी लगाया होगा, कि रिवॉर्ड देना है बच्चों को, है ना। इफेक्टिव लर्निंग क्या है, बच्चों को रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड देना का एक हद तक ठीक है लेकिन इसे हम नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव वर्ड है, इससे हमारा जो लर्निंग एनवायरमेंट है वो होगा इफेक्टिव, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, हमें डेली लाइफ जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है डेली लाइफ, डेली लाइफ बोले या रियल लाइफ बोले, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, विच स्ट्रेटजीज विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर हु लिसन टू अदर्स विद पेशेंस, रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर एंड पुट्स हिज व्यूज बिफोर अदर्स इन डेमोक्रेटिव वे, लेक्चर्स एंड स्पीच, प्ले एंड ड्रामा, डिस्कशन एंड डिबेट, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें जो मतलब इसमें क्या बोला है कि एक गुड लिसनर है जो मतलब सुनता है पेशेंस के साथ और फिर अपने व्यूज भी रखता है, तो ऐसा कब होता है, क्या लेक्चर्स में होता है, स्पीच में होता है, मैं स्पीच दे रही हूं, मैं लेक्चर दे रही हूं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप अपना व्यू नहीं दे रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। प्लेज एंड ड्रामा, प्लेज जो होता है, ड्रामा जो होता है, उसमें भी कुछ लोग ही प्ले कर रहे होते हैं, कुछ लोग ही ड्रामा कर रहे होते हैं, बाकी सब सुन रहे होते हैं, ये इसमें क्वेश्चन में बोला है कि व्यूज भी देना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा नहीं, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम एक्सप्लेनेशन टाइप का कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, डिस्कशन एंड डिबेट। डिस्कशन में एक दूसरे सब अपना व्यूज रखते हैं, सुनते भी हैं, और डिबेट में भी ऐसा ही होता है, तो इसमें 47 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, आ टीचर ऑलवेज टीचेस फ्रॉम नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, या अननोन टू नोन, या ऑप्शन नंबर डी अननोन टू अननोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचर क्या होता है, पहले जो चीजें जान रहा होता है बच्चा वहां से फिर उसे वहां लेके जाता है जो बच्चा नहीं जानता, तो नोन टू अननोन। 48 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोन टू अननोन। और ये हमारे जो मतलब नोट्स हैं उसके पेज नंबर 21 पे मेंशन था मैगजीन्स में, ठीक है, पढ़ा होगा तो आप इसका करेक्ट करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग चार्ट्स सैंपल्स
बाई टीचर विच वाइल टीचिंग इन द क्लास इज टू, मतलब मेन पर्पज क्या है चार्ट वगैरह का यूज करने का टीचर का. ऑप्शन नंबर ए मेक क्लासरूम लर्निंग एनवायरमेंट मोर डिसिप्लिन, या ऑप्शन बी टेक अप द रोल ऑफ टीचर्स इन द क्लासरूम, ऑप्शन सी गैदर एंड सस्टेन स्टूडेंट्स अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ टीचर इन द क्लासरूम. ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इससे इससे टीचर का कोई वर्कलोड कम नहीं होगा. ऑप्शन बी भी नहीं होगा कि इसमें क्या है टेक अप द रोल ऑफ टीचर्स इन द क्लासरूम, कि क्लास जो टीचर्स है उसका टेकअप हो जाएगा रोल. ऑप्शन ए भी नहीं होगा कि इससे डिसिप्लिन होगा हमारा एनवायरमेंट क्लास का, ऐसा नहीं है. जो एकदम होता है ना हिटलर टाइप का, एक डंडा ले आए रूम में रख दें तो वैसे ही पूरी क्लास डिसिप्लिन में रहती है. तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा गैदर एंड सस्टेन, मतलब इससे क्या होगा स्टूडेंट कंसंट्रेट कर पाएगा और अटेंशन उसका रहेगा. तो ऑप्शन नंबर सी 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक बाय अ सब्जेक्ट टीचर इन द क्लास, मतलब जो बेस्ट वे है ऑफ मतलब जैसे हम क्लास में आते हैं तो हमारा जो है बेस्ट वे क्या है, अपना जो हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का हमारा बेस्ट वे क्या हो सकता है. अनाउंसिंग द नेम ऑफ न्यू टॉपिक, आते ही हमने अनाउंस कर दिया कि आज ये वाला टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं. या ऑप्शन बी राइटिंग द नेम ऑफ न्यू टॉपिक ऑन ब्लैक बोर्ड, क्या हम आए और हमने टॉपिक का नाम किस पे लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया. या ऑप्शन सी आस्किंग स्टूडेंट टू गेस द नेम ऑफ द, बच्चों से बोलेंगे अच्छा बताओ तो आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा बोलेंगे. या ऑप्शन डी टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू न्यू टॉपिक. अब इसमें आपको ध्यान देना है किसका, जो क्वेश्चन नंबर 50 का 50 है उसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट. क्यों? क्योंकि हम जब आएंगे तो हमें बोर्ड पे टॉपिक लिख देने से कुछ नहीं होगा, बच्चों से ये नहीं बोल सकते बताओ मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, या फिर जो है अनाउंस कर देने से नहीं होगा कि आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे. मतलब बच्चा पहले से जो चीज जान रहा है ना, उससे हम लिंक करते हैं आज का टॉपिक. कल हमने क्या पढ़ाया उसकी प्रीवियस नॉलेज है, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं उससे हमने लिंक कर दिया. तो ये बेस्ट वे होता है इंट्रोड्यूस करने का हमारा टॉपिक. तो इस वीडियो में मैंने कवर किया टीचिंग एप्टीट्यूड के आंसर की और कोशिश की मैंने, एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा है, मतलब कंफ्यूज हूं मैं खुद कि एक दो क्वेश्चन में कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है. अब देखते हैं एमयू का आंसर की क्या देता है, बाकी मेरे तरीके से तो ये आंसर होना चाहिए. अब देखते हैं एमयू की आंसर की का वेट करते हैं, तब तक आप इसको चेक कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं आप अपना आज का पेपर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.